कब आए तुम? अरे रुको, पकड़ो मुझे। कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? क्यों? देखो, अगर मेरे डैडी को पता चला ना तो मुझे मार डालेंगे वो। किस लिए? हम सर्दियों तक ऐसे ही रह सकते हैं। अगली वसंत में प्रस्ताव रखूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। चलो थोड़ी बातें करते हैं। अगर तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगी तो बात क्या होगी? देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये सब शादी के बाद करते हैं। शादी के बाद तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? हाँ, दिलचस्पी नहीं है। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं। मीशा रुको, अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो नहीं। अलविदा, तुम मेरे बिना ही खुश रहना। मीशा, मीशा, मीशा आओ, मुझे डराओ मत। मीशा, मीशा, एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। पाँच सौ साल पहले वियना के पास एक कैसल में आर्जिबेट बाथरी नाम की एक औरत रहती थी। उसके नौकर के साथ उसका जो बच्चा हुआ था उसकी हत्या करके उसके पति ने उसे सजा दी। हम ये नहीं जानते कि उसके पति की मौत स्वाभाविक रूप से हुई या नहीं, या उसका इसमें कोई हाथ था, लेकिन उसकी मौत के बाद क्या हुआ? वो अत्याचारी बन गई। वो लड़कियों को, किसानों की बेटियों को महल में ले जाती थी और उनका खून निकाल लेती थी। दूसरे शब्दों में वो उन्हें मौत के घाट उतार देती थी और उसे पछतावा नहीं था। ताज्जुब है। इतने खून का वो क्या करती थी? जवानी पाने के लिए वो उनके खून से नहाया करती थी। तो इस तरह उसने कितनी लड़कियों को मारा होगा, कितनी लड़कियां उसके लिए बलि चढ़ गई होंगी, इस बारे में तो हम नहीं जानते। लेकिन तलाशी के दौरान उसकी एक किताब मिली। उसमें नाम लिखे गए थे करीबन 650 लड़कियों के जिसको उसने मारा होगा, लेकिन केवल 80 हत्याएं ही साबित हुई। कितना भयानक था। उसके बाद उसका क्या हुआ? उसे उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया जहां उसने 4 साल निकाले। उस लेडी का एक दूसरा नाम भी रखा गया था। आपको उदास करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपका मनोरंजन कर रही थी। माफ कीजिएगा, आज आप सब लोग यहाँ पर हैं, मैं बहुत खुश हूँ सच में।
उम्र चली जाती है लेकिन दोस्त रहते हैं। देखिए मोहतरमा, आपको बुढ़ापे की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है कि आप कातिया की तुलना में अधिक सुंदर हैं। खूबसूरती तो आपकी पहचान है, ये बिल्कुल आपकी खूबसूरती के नाम। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि रुमफेल के घर वापस आने से आपको कैसा लगता है? तो 20 साल यूरोप में बिताए। मुझे तो घर जैसा ही लगता है। मेरी एंजल दशा ने हमारे परिवार को एक घोंसले की तरह संभाला है। यह हमेशा व्यस्त ही रहती है। हमारे माता पिता की मौत के बाद इसने ही घर को संभाला है। मुझे जरा कुछ काम है। हमेशा की तरह ये कैटरीना पावलोना वियना चली गई। ये पुरानी परी कथा है। एक ऑस्ट्रिय बैरन हमारे शहर से गुजर रहा, उन्हें स्थानीय सुंदर लड़की कातिया से प्यार हो गया, तो अब हमारी कातिया उसकी बीवी बन गई। 1 साल पहले बैरन की मौत हो गई, इसलिए तो ये कैटरीना वॉन रोमफेल ने फैसला किया उसके शहर का फिर से दौरा करने का, और वो दौरे पे गया भी। लेकिन उस फैसले का अंजाम क्या बताएं? वाकई बहुत खूबसूरत है। ओ, कितना सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर घोड़ा है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें घोड़े पसंद है मिस? हाँ, मेरे पापा के पास एक बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं, अस्तबल। हाँ, कई घोड़ा है। आपको कहना चाहिए कई घोड़े। क्या तुम बोर हो रही हो? इस तरह की कहानियों से कोई बोर नहीं हो सकता। मुझे मिस्टर अर्थिकुन यहाँ पर लेकर आए, अपनी राजधानी के अतीत की परेड दिखाने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए? मेरे अंकल मेरी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे। बैरोनेस की बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो जरूर उसे अपने साथ लाई होंगी, या कैटरीना उसके मेहमान की खातिरदारी कर रही है। काफी अच्छी दिखती है वो। हो सकता है कि स्पा का असर हो। हाँ वैसे वो बहुत छोटी है। सच कहूँ तो जब तुम सामने होती हो तो कोई नहीं दिखता, पर हंगेरियन लड़कियां होती बहुत सुंदर हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इस लड़की में एक बहुत ही रहस्यमय काबिलियत है। मैं आना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें कुछ क्रियाएं दिखाए। मैंने तुम्हारी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पास मेरा बोर्ड नहीं है। मैंने इसे लाने का आदेश दे दिया है। हमें ऐसी प्रतिभाएं अक्सर देखने को मिल जाया करती है। मैं सच कह रहा हूँ ना याकोव प्लाटोनोविच? क्या आपको पसंद आएगा अगर मैं आपको एक कला सिखाऊं तो? कला? हाँ कला, मछली पकड़ने की। मेरे घर नदी के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। जब मेरा मन यहाँ नहीं लगता मैं वहाँ चला जाता हूँ सभी से बचने के लिए। नहीं। मिस, क्या आप चाहती हैं आपको सुअर के बच्चे दिखाऊं? सुअर के बच्चे? सुअर के बच्चे, छोटे सुअर मूतने वाले ऐसे। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, वो अभी 1 सप्ताह के ही हैं। तो अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। बस कुछ देर। वैसे आप किसे बुलाना चाहती हैं? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। बैरन वॉन रोमफेल के बारे में क्या ख्याल है? ओ, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं बैरन, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कमाल है। नेपोलियन को बुलाएं? क्या सच में? ठीक है। इयररिंग्स जल्दी उतार के रखो। ये लो। कुछ हुआ? मैंने कहा ना शांत रहो। रुक जाओ, रक्तहीन बलिदान,
रक्तहीन बलिदान, रक्तहीन बलिदान। मेरा खून तुम पर है, मेरा खून तुम पर है, मेरा खून तुम पर है। कहाँ देखा आपने उस लाश को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए। हाँ, जवाब दीजिए। अस्तबल में एक लड़की की लाश थी। मतलब अस्तबल में आपने लाश को देखा? हाँ। आप लोग इस वक्त जहाँ हैं वहीं पर रहिए, हमें फौरन वहाँ पर चलना ही होगा। चुप, आप लोगों से जब तक कहा ना जाए कोई भी इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। याकोब प्लाटोनोविच, इन्हें लेकर मेरे साथ चलो। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? वहां पर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? हम घोड़ा देख रहे थे। हम मतलब तुम यहाँ पर अकेले नहीं थी? नहीं, मैं मिखाइल के साथ थी। अभी वो कहाँ है? मैं डरकर भागी, वो मेरे पीछे दौड़ रहा था, फिर वो नहीं दिखा। तो क्या वो आपका पीछा कर रहा था? नहीं, वो दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, आप जाइए, मैं आपसे कल दोबारा बात करूंगा। माँ, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? पता नहीं बेटी, ये तो सारी किस्मत की बात है। ऊपर वाला सच जानता है, वैसे वो गलत भी हो सकता है। मेरा मतलब वो औरत थोड़ी डर गई है। हम अभी घर जा रहे हैं। नहीं, नहीं जा सकते, यहाँ से अभी कोई भी नहीं जा हमने सकता। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें तब तक यहाँ रहना जब तक ये सुलझ ना जाए। इसे कमरे में ले चलो। बड़ी अजीब बात है, खून किसी बर्तन में बह रहा था और कातिल उसे अपने साथ ले गया। क्या तुमने विक्टिम के माथे पर घाव देखा? यही मौत का कारण है, और इसका मतलब है कि हत्या यहाँ नहीं बल्कि उस जगह पर हुई थी जहाँ हमने खून के धब्बे देखे हुए थे। फिर उसके शरीर को यहाँ लाया गया, उसे लटकाया और उसका गला काट दिया। याकोब प्लाटोनोविच, अच्छा ये बताओ, क्या मैं अकेला हूँ जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ या आप भी? बेशक मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। और सिर्फ इसलिए उस पर आरोप लगाना क्योंकि उसने वो कहानी सुनाई थी, ठीक नहीं। माफ करना, हाँ ये कहानी अजीब है। मैं देखता हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, समझो कोई बुरा सपना तुमने देखा था, बुरा सपना जो खत्म हो गया है। ये सपना बहुत ही बुरा था। अगर पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे तो क्या होगा? उन्हें कुछ भी मत बताना। कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं जो जरूरी ना हो। ऊपर वाले हमारी रक्षा कर। क्या तुम इसे जानते हो? ये दुनिया है, ये मेरे कर्मचारी की बेटी है, कसाई की बेटी है। कसाई की? वो मेरे बुचड़खाने में काम करता था, सेमियन कोकोशिन। ये काफी दिलचस्प बात है, कैरोटिड को काफी पेशेवर रूप से काटा गया था।
एक स्टीक स्ट्रोक के साथ। आपके कहने का क्या मतलब है, खुल के बताएं। मैंने जो देखा वही कहा है। मौत कब हुई होगी? जांच के आधार से लगभग 6 घंटे पहले, मतलब दिन के उजाले में हुई। सर, मिस्टर पियोत्रो को अंदर आने दूं? अरे अरे सर। ये ऊपर वाले जेंटलमैन, जरा सोच के देखिए, औरतें बहुत डरी हुई हैं। मुझे लगता है आप उन्हें जाने दे सकते हैं, उनसे कल सवाल करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे साथ आइए। बोलो। ऐना की हालत ठीक नहीं है, आइए। बेशक, शव को मुर्दा घर भेज दीजिए। सुनिए, मैं लाश की फोटो लेना चाहता हूँ। इसकी इजाजत नहीं है। तुम चाहे तो पैसे ले लो, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं। तुम एक अधिकारी को रिश्वत दे रहे हो? अलेक्सी ओगोरोविच, आप हमारे साथ आइए, मैं लाश की फोटो लेना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप आइए मेरे साथ। हाँ, मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसे सिर्फ थोड़ा सा तनाव हो गया है और कुछ नहीं। बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत है और वो ठीक हो जाएगी। हम अभी घर जा रहे हैं, मुझे ऐना की देखभाल करनी होगी। मैं रुकने की सलाह देता हूँ, उसकी हालत में उसे यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे यहाँ रहने दे प्लीज, कल सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सही कह रही है, शायद यही बेहतर होगा ऐना के लिए। ठीक है फिर, ऐना को यहीं रहने दो। पाओलोना ने उसकी देखभाल करने का वादा किया है, लेकिन कल मैं उसके लिए गाड़ी भेज दूंगी। कितना भयानक मंजर था, क्या आपने देखा कि डॉक्टर मिल्स ने अपनी उंगलियां ठीक उसके अंदर डाली थी? क्या तुम बंदूक लेकर आए हो? इस तरह मेरा अपमान मत कीजिए। अस्तबल में वापस जाओ, वहां सुबह तक तुम्हें छिपके रहना होगा और नजर रखनी होगी कि कोई वहां पर दोबारा आता है या नहीं आता है। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि मारने वाला उस जगह पर दोबारा आएगा। थैंक यू सो मच याकोब लोटनविच। एंटोन सुनो। हाँ। कैमरा मुझे दे दो। मैं पुलिस हूं।
एना विक्टोरोवना। जूते। एना विक्टोरोवना। एना विक्टोरोवना। जूते, जूते। क्या? जूते। कैसे जूते? जूते, जूते, जूते। क्या हुआ, वो लड़का मिला या नहीं? इस वक्त ना तो वो घर पर है और ना ही वो अस्तबल में है। आपका ये जवाब हमें मुश्किल में डालता है याकूब। उसने लड़की को अस्तबल में बुलाया और फिर उसे मार दिया है ना? लेकिन उसने लाश को छिपाया भी नहीं, और उस लड़की को वो वहां पर क्यों ले गया? ये उसकी एक चाल है। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि किसी को भी ये ना पता चले कि उसने किया है। एक लड़के के लिए करना मुश्किल है। एक बात बताऊं, मैं इस लड़की की कहानी के बारे में अक्सर सोचता रहता हूं। कैसा रहस्यमय संयोग है ये। लो आ गई हमारी मेहमान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप सुबह के नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी? नहीं थैंक यू, मुझे अब घर जाना चाहिए। अरे नहीं, तुम नाश्ते के बिना नहीं जा सकती, और जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। मैं नाश्ता लाती हूँ। आपका शुक्रिया। आओ बैठ जाओ। अंदर आइए। दशा, क्या तुम्हें सच में इस घोड़े की जरूरत है? उसे मुझे बेच दो, हाँ? मैं उसके उचित दाम दूंगा। सिला कुछ बीच। मेरी प्यारी दुश्मन। क्या तुम घोड़ों के अलावा कुछ और सोच सकते हो सिला कुज़मीच? तुम्हें बताओ क्या सोचूं मैं। सिला कुज़मीच, सिला कुज़मीच, तुम्हारे कर्मचारी की बेटी सिला कुज़मीच। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसका बाप बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। हालांकि आज वो काम पर आया था और बछड़ों को काट रहा था, लेकिन मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। 50 रुपये लूंगा, मान जाओ 150 रुपये ले लो। सिला कुज़मीच। मान क्यों नहीं जाती है? दशा, 250 एक अच्छी कीमत है, मान जाओ जल्दी से। वो बेचने के लिए नहीं है सिला कुज़मीच। इस बारे में सोचना जरूर, बुरा सौदा नहीं है, याद रखना पछताओगी। आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सर पे चोट उसकी मौत का कारण है, एक ब्लंट ठोस वस्तु से बाद में गला काटा गया। याकूब लटुनविच,
वो कुछ सप्ताह की गर्भवती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तुम्हें हमारा शहर कैसा लगा? पता नहीं, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। सुंदर है लेकिन उबाऊ है, कोई दोस्त भी नहीं है, और ऊपर से ये सब कुछ हो गया भयानक। हाँ, ये भयानक तो है। मैं उस कहानी के बारे में नहीं भूल सकती जो तुम्हारी माँ ने हमें सुनाई थी। बहुत बुरे सपने देखे मैंने। तुम्हें याद है उस रात को क्या हुआ था? क्या मैं सोई नहीं थी? क्या मैं चल रही थी? अरे नहीं, फिर से ऐसा मेरे साथ होता है। क्या तुम अस्तबल जा रही हो? हाँ, मैं याद करना चाहती हूँ कल क्या हुआ था। क्यों, तुम वहाँ गई थी, तुम वहाँ खड़ी रही, फिर वो आया, उसने देख लिया। वो कौन? पुलिस वाला। अच्छा, वो था? हाँ। अच्छा ठीक है, वो वहाँ भी था। मुझे जाना चाहिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण देखा है जो मुझे याद करना जरूरी है। मुझे खेद है मिस्टर कुजमिच, लेकिन मैं अपनी बहन के फैसले को नहीं बदल सकती क्योंकि वो इस घर की मुखिया है। लेकिन तुम्हारे पास भी तो बराबरी के शेयर्स हैं। तकनीकी रूप से, लेकिन 20 साल मैं यहाँ नहीं थी, इसलिए यूँ अचानक मैं अपनी बहन को आदेश नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर घोड़ों की बात करने बिल्कुल भी नहीं आया था, भले ही मुझे पसंद है तब भी। मुझे भी? अच्छा है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बात करनी नहीं आती। हकीकत यह है कि मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे पुराने दिन याद आते हैं। याद है ना हम कैसे मिला करते थे और एक दूसरे। चुप हो जाओ। लेकिन क्यों चुप रहूं, आसपास तो कोई भी नहीं है। आखिर क्या कर रहे हो तुम? 20 साल गुजर चुके हैं। 20 साल बीते हो या 40, मेरे लिए तुम आज भी उतनी सुंदर हो। नहीं, बस भी करो। तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, बस करो, सच में बस करो। मैं चला जाऊंगा, मैं जरूर चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, हम जल्दी मिलेंगे। जेटोन्स टेलीग्राम का नया अंक, एक रहस्यमय हत्या। जेटोन्स टेलीग्राफ का नया अंक, एक रहस्यमय हत्या। जेटोन्स टेलीग्राफ का नया अंक, एक रहस्यमय हत्या। जेटोन्स टेलीग्राफ का नया अंक, एक रहस्यमय हत्या। एक महिला का शरीर बिना मुझे एक पेपर दो। खून के पाया गया। एक पेपर दो मुझे। ये लो। जेटोन्स टेलीग्राम का नया अंक, एक रहस्यमय हत्या। रिबो शिंके, बदमाश। तुम क्या जादू कर रही हो? कहाँ है वो? ये यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ। यही कहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो? होगा वो, उसने मेरी बेटी को मार डाला। सिमियन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो? चलो यहाँ। छोड़ दो मुझे, मेरी दुनिया थी मेरी बेटी। सिमियन, रुक जाओ। सिमियन, क्या कर रहे हो तुम? सिलाकुज़मिच, वो यही होगा। रुक जाओ सिमियन, कहीं होगा। कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अकेला छोड़ दो सिमियन। मुझे नहीं पता था कि वो उसके साथ ये सब कर रही है। सिमियन रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कर डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। सिमियन, पुलिस को अपना काम करने दो, पुलिस उसे ढूंढकर अदालत तक ले जाएगी। अगर वो मर गया तो तुम भी जेल में चले जाओगे, समझो मेरी बात को। पूरा शहर जानता है कि ये उसी का किया धरा है। रुक जाओ तुम, सिमियन, सिमियन रुक जाओ। तुम फ्रुलोव्स और मैं मोलोस्टोव्स जाते हैं, शर्माओ मत, उसने हमारे साथ काम किया है, उसे इस बारे में कुछ तो पता होगा ही।
तुम्हें जाकर उससे पूछताछ करनी है एंटोन। आपको लगता है कि उनके बीच कुछ था? ये खून खराबा, ये कोई दुश्मनी की लड़ाई नहीं लगती। नहीं, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। उस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, मैं निकाल लूंगा। मुझे लग रहा है कि कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है। पीछे मत घूमो। जी हाँ, देखते हैं वो कहाँ तक हमारा पीछा करता है। तुम एक काम करो एंटोन, तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो आदमी कौन है और कहाँ रहता है, क्या करता है। मुझे सारी जानकारी चाहिए। और फ्रोलोव के बारे में क्या? उसके पास बाद में जाना और थोड़ा होशियार रहना एंटोन। नैपकिन को स्टार्च करने की जरूरत है। ये नए कपड़े और ये सब इन्हें लाल बैग में डाल दो। दशा पावलोना, कैसे हैं आप? हेलो याकोव प्लेटनोविच, ले जाओ। क्या आप ये सब खुद करती हैं? यहाँ और कौन करेगा? आप कल रात को क्या कर रही थी, मुझे ये जानना है। बेशक पार्टी की तैयारी और तुम्हारा इंतजार भी। क्या कोई ऐसे मेहमान थे जो बुलाए नहीं गए थे? नहीं, ऐसा तो मैंने ना देखा और ना सुना। आप मुझे बता सकती हैं कि आखिरी बार आपकी बहन ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आई थी? कभी नहीं, वो 20 साल पहले बैरन के साथ चली गई थी और तब से कभी वापस नहीं आई। मतलब आपने पहले उसे कभी नहीं देखा था? हाँ, कभी नहीं देखा। आपकी बहन अभी कहाँ है, प्लीज बताइए। याकोव प्लेटनोविच, मुझे पता है वो चाकू कहाँ है जिससे खून हुआ था। तुम अभी भी यहाँ पर हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने सुना जो मैंने कहा? हाँ सुना तो, कहाँ है? अस्तबल में, चलो मैं दिखाती हूँ। तुम कैसे जानती हो? ये तो आम बात है। जब से तुम यहाँ आई हो तब से ये सब शुरू हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है? तो और क्या वजह हो सकती है? तुमने यहाँ मौजूद सभी को परियों की कहानियां सुनाई और अब असली जीवन में ये सब हो रहा है। हाँ, मैंने चाकू लिया और उस बेचारी लड़की को मार डाला। ये एक संकेत है कि हम एक साथ नहीं रह सकते। चली जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कैसा लगेगा अगर मैं भाग गई तो? ये तो स्वीकार करने जैसा होगा। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बस जल रहे हो। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम मुझ पर गुस्सा हो। तुम मेरे आसपास रहना पसंद भी नहीं करती क्योंकि तुम। बस हो गया, मेरी सुंदरता से जलती हो तुम। ना, वैसे हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया है। छिपाने की जगह यहाँ है। तुम्हें कैसे पता चला कि चाकू यहाँ पर रखा हुआ था? विक्टिम ने कल रात मुझे दिखाया। सुबह मैं ये सब भूल गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई मुझे सब याद आ गया।
कि चाकू उस जगह पर है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल रात की क्रिया में क्या हुआ था? तुमने देखा था ना, मैंने नेपोलियन को बुलाया था, लेकिन वहाँ ये लड़की आई थी, उसके पहले ही वो लड़की मर चुकी। तुमने मोलोस्तोवा को ऐसा क्यों बोला कि मेरा खून आप पर है? नहीं, मैंने चिल्लाई थी, वो लड़की चिल्ला रही थी। क्या वो चुड़ैल है? ये अध्यात्मवाद है। मुझे अंतर नहीं दिखता। तो तुम्हें लगता है कि मैं चुड़ैल हूँ? इस वक्त और क्या लग सकता है ना। उसने मुझे जूते के बारे में बताया, शायद उसने अपनी आखिरी सांस में उस जूते को देखा होगा। कौन से जूते? घुड़सवारी में पहनने वाले जूते। वैसे तुम बैरोनेस के बारे में क्या सोचती हो? बहुत अजीब है। याकूब, क्या तुम चाहते हो कि मैं बैरन रूमफफेल की आत्मा को बुलाऊं? मुझे लगता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। हो सकता है, कल वो मूड में नहीं था शायद। उसे कहो कि वो तुम्हें बताए कि कितनी हंगेरियन लड़की को उसकी पत्नी ने मौत के घाट उतारा है, वो भी रूस वापस आने से पहले। जरूर पूछूंगी मैं। गुड लक एना। लेकिन अगर वो तुमसे बात करना चाहता होगा तो? उसे मेरे ऑफिस भेज देना। बैरोनेस, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। मैं सुन रही हूँ मिस्टर स्टोलमन, बताइए। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आपने जो खून बहाने वाली हत्या की कहानी सुनाई थी, उसके तुरंत बाद ही एक हत्या हुई बिल्कुल उसी तरीके से, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मिस बैरोनेस? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप कल शाम 4 से 6 के बीच क्या कर रही थी। ओह, आपकी सीधे बात करने की आदत बहुत ही अच्छी है। मैं एक जासूस हूं। कल उस समय मैं अपने घर पर थी, अपने कमरे में आराम कर रही थी। तो क्या किसी ने आपको देखा था? सोते हुए? मुझे नहीं लगता। उस समय आपकी बहन कहाँ थी? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो सो रही थी ना। मिस बैरोनेस, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता है कि अपराध बिल्कुल आपकी बताई हुई कहानी के अनुसार ही हुआ? क्या आपको लगता है ये मैंने किया है मिस्टर स्टोलमन? आपकी कहानी से प्रेरित होकर भला और कौन हत्या कर सकता है? क्या कल रात से पहले आपने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया था? दशा या कोई और, मुझे याद नहीं है। सच में मुझे याद नहीं है, सच में। तो याद करने की कोशिश कीजिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ कीजिए पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने किसी को बताया था पर मुझे याद नहीं है कि वो कौन था। माफ कीजिए, मुझे सिर दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ और सवाल करने होंगे तो मैं फिर यहां पर आऊंगा, ओके? मुझे बहुत खुशी होगी। गुड बाय स्टोलमन। Thank you.
ऑफिसर याको सेमियन कोकोशिन लड़की के पिता आए हैं। आइए बैठिए प्लीज। आपसे मेरी सहानुभूति है, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन आपको कुल्हाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। मैंने जो भी किया अच्छा ही किया सर, कोई पछतावा नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपने किसी को मारा नहीं है। वैसे मैं इस मिशा को छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे 10 साल लग जाए। अगर उसने खून नहीं किया है तो फिर किसने किया है? आप उसे ढूंढ रहे हैं और इसी की जांच चल रही है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी मोलोस्तोव के लड़के से मिला करती है? बताइए। नहीं, पता होता तो मैं उसे कब का मार देता। और आपका कर्मचारी सीला फ्रालोव, उसके बारे में क्या? उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। उसका उससे क्या लेना देना? तो क्या वो दुनिया के साथ अच्छा था? क्यों नहीं होगा, वो एक अच्छी कर्मचारी थी, उसने बूढ़ी औरत का भी ख्याल रखा। उसे क्या हुआ था? उम्र की वजह से कई बीमारियां थीं। क्या बीमारी? उसकी स्किन पर कई तरह के दाग हैं। उसने तरह तरह की दवाइयां की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसकी दादी का इलाज करने के लिए सुअर का खून भी दिया था। खून? स्थानीय दवाखाने की महिला पुष्टि लिखा ने इसकी सलाह दी थी। क्या इसे कुछ हेल्प हुई? मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि घर में बुढ़िया चिल्ला रही थी। सर्जेंट, इन्हें बाहर छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच, अब आप यहां से जा सकते हैं। एंटोन आंद्रेविच, तुमने सुना कि फ्रलोव की माँ खून से अपना ट्रीटमेंट किया करती थी? अच्छा, हाँ सही सुना तुमने, वो भी एक जानवर का खून। ओहो, वो पीछा करने वाले का क्या पता चला? मैंने उसका 2 ब्लॉकों तक पीछा किया, लेकिन फिर उसने मुझे देख लिया और फिर वहां से गायब हो गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर होनी चाहिए, वरना वो इस तरह छिपने की कोशिश क्यों करेगा? मतलब तुमने उसे खो दिया? जी नहीं, हाँ मेरा मतलब मैंने उसे खो दिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया। और वो क्या? मैं सभी दुकानों में गया और पूरे शहर में उसके बारे में पूछ रहा था, तो मुझे एक पब में ये बताया गया कि वो उनके ग्राहकों में से एक है और वो वहाँ अक्सर आया करता है। और सच्चाई ये है कि वो उसका नाम नहीं जानते हैं। और फिर? मैंने 2 घंटे वहाँ बिताए लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, मतलब वो कभी आया ही नहीं। बहुत अच्छा काम किया तुमने एंटोन एंड्रेविच। क्या मैं कल पब वापस चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम्हारे सामने भी आ जाए तो भी उसे मत बुलाना। बेहतर है कि तुम ये पता लगाओ कि ये महिला कहाँ रहती है जो खून इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, हमें उसे मिलने जाना पड़ेगा। पहले मैं रिपोर्ट लिख लूं, जरूरी काम है। ओए। अगर मैं एक बैरोनेस होती तो शायद मैं किताबें पढ़ती। मुझे सिर दर्द है, काफी वक्त से मुझे सिर दर्द हो रहा है। एक अच्छी नींद की मुझे बहुत जरूरत है। क्या सिला फ्रालोव तुमसे मिलने आया था? हाँ आया था। वो क्या चाहता है? उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। सच में? हाँ, और मुझे बहुत पैसे देने का वादा भी किया और एक बहुत अच्छी ड्रेस भी। मैं समझी नहीं। पहले मैं भी समझ नहीं पाई, पर जब हमने बात की तब ये साफ हो गया कि उसने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो फिर? तुम ये जानती हो, तुम्हारे घोड़े के लिए।
सोचो दशा घोड़े के लिए। बूढ़ा भी ना, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हाँ, मैं भी उसके लिए पागल हो गई थी। ये सच नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम जीवन भर उसके लिए नाटक करती रही, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। नहीं दशा, सच है ये। तुम नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। दशा, मेरी तरफ देखो, तुम मजाक कर रही हो ना? कम से कम उसे दरवाजा मिल गया। कौन सा दरवाजा? कल रात एक लड़की को अस्तबल में मार दिया गया और वो वहां घोड़ा लेने आया था। कौन सी लड़की? कौन सी? बस करो, दुनिया उसकी कर्मचारी, एक रक्तहीन बलिदान। कौन सी लड़की बताओ? बस करो तुम। ये 500 साल पहले ये हुआ कल था। रात हुआ था ये 500 साल पहले हुआ था।